तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पांचवी ढाल के अंतर्गत बाला भावनाओं का स्वरूप हम समझ रहे हैं। बाला भावनाओं में हमने धर्म भावना की कल चर्चा की थी और इस प्रकार हमने बाला भावनाओं की चर्चा पूरी की। आज हम इन बाला भावनाओं के अंत में दौलत राम जी हमें क्या संदेश देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। मंगलाचरण से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। बोलो पंचवर्मिष्ठी भगवान की जय। समस्त मुनि संग की जय। हमने धर्म भावना का कल स्वरूप समझा था और ये बात हमने समझी थी कि मनुष्य में और पशु में जो मूलभूत अंतर है वो संस्कारों का है। क्या कभी आपने त्रियंचों को अपने बच्चों को संस्कार देते हुए देखा है? क्या जानवर भी अपने बच्चों को कभी धर्म का संस्कार देते हैं? क्या जानवर भी अपने बच्चों को किसी धर्म की पाठशाला में भेजते हैं? क्या जानवरों के यहाँ भी कोई पाठशाला लगती है? क्या जानवरों के यहाँ भी कोई प्रवचन होते हैं? क्या कहीं जंगल में किसी पशुओं की सभा में शेर को आपने राजा जैसा सभा में उपदेश करते हुए देखा है? नहीं, ये सब बातें त्रियंचों में संभव नहीं है। ये सब बातें मात्र मनुष्य गति में संभव है और इसीलिए मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति मानी जाती है, क्योंकि मनुष्यों में संस्कार जैसी जो बात होती है वो एक अद्भुत होती है। देवों में यदि आप देखें तो देवों के संतान नहीं होती। नारकियों में सब नपुंसक होते हैं, उनमें पति पत्नी का ही व्यवहार नहीं होता। उसी प्रकार त्रियंचों में भी अपने बच्चों में संस्कार देने की व्यवस्था नहीं होती। एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है जहाँ हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ संस्कार दे के जाते हैं। हम अगली पीढ़ी को वो धर्म के संस्कार देते हैं जिससे कि धर्म शाश्वत चलता रहता है। आज हम में जो धर्म की भावना है वो हमारे पिताजी के द्वारा दिए गए और अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से है। आज हमें जो इतने मंदिर मिले हैं, जो इतनी हमें जिनवाणी मिली है, जो इतने हमें शास्त्र और जो आज हमें जितना भी धर्म का समागम है वो सब हमारे पूर्वजों की देन है। तो हम देखते हैं कि ये जो बात मनुष्य गति में है ये अन्य गतियों में नहीं पाई जाती। त्रियंचों में अथवा अन्य तीनों गतियों में मनुष्य के अलावा कहीं भी संस्कारों की बात नहीं होती। तो इसीलिए कहा है कि मनुष्य गति में ये जीव जितना धर्म कर सकता है उतना अन्य किसी गति में नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य गति को सार्थक बनाने के लिए हमें धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये मनुष्य गति ऐसी है जहाँ कि हम महाव्रत धारण कर सकते हैं, जहाँ पूर्ण संयम धारण कर सकते हैं और तो और जहाँ कि हम अनंत बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। चारों गतियों में से यदि किसी गति से मोक्ष जा सकते हैं तो वो एकमात्र मनुष्य गति है। ऐसी मनुष्य गति को हमें धर्म को धारण करके सार्थक बनाना चाहिए। इस प्रकार से हमने अब तक 12 भावनाओं की चर्चा की। अब अंतिम दोहे में दौलत राम जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। सो धर्म मुनिन करी धरिए तीन की कर तू तरिए ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। भावार्थ
ऐसा जो धर्म है वह पूर्णतः मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। आगे मुनियों की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। हे भव्य जीव, तुम उसे सुनो और अपने आत्मानुभव की पहचान करो। सो धर्म मुनि न करी धरिए, ऐसा यह जो धर्म है यह धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। वास्तव में 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, अहिंसात्मक धर्म, इसका उत्कृष्ट रूप मुनिराज में देखने को मिलता है। इसलिए कहा सो धर्म मुनि न करी धरिए, ऐसा धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तिन की करतूत उचरिए, अब उन मुनिराज की करतूत अर्थात उन मुनिराज की क्रियाओं का, उनके आचरण का वर्णन किया जाएगा। कहाँ करेंगे उसका वर्णन? दौलतराम जी अगली ढाला में अर्थात 6 ढाला में मुनिराज के आचरण का वर्णन करेंगे। मुनिराज के 22-28 मूलगुणों का वर्णन करेंगे और मुनिराज के अंतरंग परिणति का अर्थात अंतरंग आचरण का भी वर्णन करेंगे। तिन की करतूत उचरिए अर्थात दौलत राम जी यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उन मुनिराज के अंतर्बाह्य जीवन का वर्णन आगे 6 ढाल में करूँगा। उसको सुनकर ताको सुनिए भवि प्राणी, उसको सुनकर हे भव्य प्राणियों अपनी अनुभूति पिछानी अर्थात अपनी अनुभूति, अपने आत्मा के अनुभव को हे जीव तुम पिछानो, पिछानो अर्थात तुम भी उसे समझो और ऐसे आत्मा के अनुभव को तुम भी प्राप्त करो। हम जो मुनिराज की चर्या का वर्णन करेंगे उसका प्रयोजन यह है कि तुम भी ऐसी चर्या को सुनकर अपने जीवन में उस चर्या को उतारो, अपने जीवन में आत्मा का अनुभव प्रकट करो, अपने जीवन में आत्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न करो। ताको सुनिए, उसको हे भव्य प्राणियों तुम सुनो। अब हम मुनिराज के जीवन का, मुनिराज के अंतर्बाह्य जीवन का वर्णन करेंगे, उसे तुम ध्यान लगा के सुनो। यहाँ दौलत राम जी ने जो जीव सुनने वाले हैं उनके लिए भव्य शब्द का उपयोग किया है। दौलत राम जी ये मानते हैं कि जो जीव भी 6 ग्रंथ को पढ़ रहा है, 6 ग्रंथ को सुन रहा है वह वास्तव में भव्य है। भव्य शब्द का लक्षण परमात्म प्रकाश ग्रंथ में आचार्य योगिंदु देव ने भी इसी प्रकार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस जीव ने भी अपनी आत्मा की बात एक बार भी रुचिपूर्वक सुनी है वह निश्चित ही भव्य है। आज हम जो 6 की इस पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से 6 को सुन रहे हैं तो यह हमारी भव्यता को सूचित करता है। यदि हम भव्य नहीं होते तो हमें आत्मा की रुचि नहीं होती। हमें आत्मा की रुचि है, इसी कारण हम आत्मा की चर्चा को, इस 6 की चर्चा को अत्यंत रुचिपूर्वक सुन रहे हैं। तो दौलत राम जी कहते हैं कि हे भव्य जीवो, उसको सुनो और उसको सुनकर अपनी अनुभूति को प्रकट करो, अपने आत्मा के अनुभव को प्रकट करो। अब हम तुम्हें उस धर्म को जिन्होंने धारण किया है उन मुनिराज के जीवन का वर्णन करेंगे। 12 भावनाओं के माध्यम से जो वैराग्य श्रावक के जीवन में उत्पन्न होता है उस वैराग्य का बल पाकर वह अपने जीवन में मुनि दशा को अंगीकार करता है। 12 भावनाएं इस श्रावक को मुनि बनने के लिए वैराग्य का एक प्रमुख कारण है। जितने भी तीर्थंकर मुनि बनते हैं वे सभी 12 भावनाओं को भाके बनते हैं। यदि आपने प्रथमानियोग का कोई शास्त्र पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब जब भी तीर्थंकरों को वैराग्य उत्पन्न होता है तो वे इन 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, लोकांतिक देव आते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार इन 12 भावनाओं के माध्यम से हमने अपने मुनि बनने का मार्ग प्रशस्त किया। आगे 6 ढाल के अंदर दौलत राम जी मुनिराज की चर्या का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। एक अल्प विराम के बाद हम पुनः आगे की चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र। 6 की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। 6 के अंतिम दोहे की, 5वीं ढाल के अंतिम दोहे की चर्चा हम कर रहे थे। उसमें हमने बात की थी कि इन 12 भावनाओं के माध्यम से जीव अपने मुनि बनने का मार्ग प्रशस्त करता है और वह मुनि बनकर समस्त कर्मों का क्षय करने में समर्थ होता है। इस प्रकार ये 12 भावनाएँ वास्तव में मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत कारणभूत है।
ये 12 भावनाओं का पाठ जो हम सुबह शाम करते हैं उतना मात्र ही हमारे वैराग्य में कारण नहीं बन सकता। वास्तव में इन 12 भावनाओं का पाठ ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार कोई अजपा जाप जपता है, अर्थात जिस प्रकार अन्न मतावलंबी बिना जपे भी जाप जपते हैं, उनकी माला होती है और वो माला से अपने आप मन ही मन में बोलते हैं और उनकी माला अंदर ही अंदर चलती रहती है, अर्थात बिना बोले भी उनका जाप जपता है। ठीक इसी प्रकार इन 12 भावनाओं का पाठ हमारे चित्त में निरंतर चलना चाहिए। हमारे खून खून में यदि 12 भावनाओं का पाठ बसा होगा तो हमें निश्चित रूप से संसार शरीर और भोगों से एक दिन वैराग्य उत्पन्न होगा और हम निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। 12 भावनाएं केवल सुबह शाम पाठ करने के लिए नहीं है, अपितु यह तो जीवन का एक अंग है। जिस प्रकार से हम कभी अपना नाम नहीं भूलते, यदि 1000 लोगों के बीच में भी यदि हमारा नाम पुकारा जाए तो हम एकदम तुरंत उठ जाते हैं। क्या है उसका कारण? क्योंकि सोते वक्त भी हमारे चित्त में मैं प्रकाश हूँ ये बात बराबर बनी रहती है। इसी कारण से हम 1000 लोगों के अंदर भी सोते हुए भी अपने नाम के पुकारे जाने पर तुरंत उठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का चिंतन हमारे चित्त में प्रति समय चलते रहना चाहिए। सोते जागते खाते उठते बैठते पीते बातचीत करते करते भी हमें इन बातों का सतत ध्यान रहना चाहिए कि यह सब संसार शरीर भोग 5 इंद्रिय के विषय भोग और यह संसार अनित्य है, अशरण है और दुखरूप है। अर्थात जो 12 भावनाओं का चिंतन हमने अभी तक किया है वह हमारे चित्त में प्रति समय चलते रहना चाहिए। ये 12 भावनाओं का फल है संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न होना और तत्वज्ञान की प्राप्ति होना। जैसा कि हमने पहले कहा था कि प्रारंभ की 6 भावनाएं संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराती है और अंत की 6 भावनाएं हमारे जीवन में तत्वज्ञान को अंकुरित करती है। प्रारंभ की 6 भावनाएं चित्त की भूमि को कोमल बनाने के लिए है। जब तक हमें यह भासित नहीं होगा कि यह संसार अनित्य है तब तक हम संसार के कामों में रात दिन फंसे रहेंगे। आज हमें यह संसार क्षणभंगुर नहीं दिखाई देता और इसी कारण से हम संसार के सभी कार्यों में पूरी शक्ति से जुटे रहते हैं। जब हमें भासित होगा कि संसार 2 दिन का है, अर्थात ये जो पर्याय है ये मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय कुछ ही दिनों की है और एक दिन इस मनुष्य पर्याय को हमें अवश्य छोड़ना है। जब हमें विचार होगा कि पर्याय 2 दिन की है, ये मनुष्य अवस्था ये मनुष्य शरीर हमें मात्र चंद दिनों के लिए मिला है, तो इससे होने वाली जितनी भी चिंताएं हैं वो हमारे जीवन से नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, हमारे जितने भी विकल्प हैं, उन सब विकल्पों का एकमात्र कारण ये है कि हम ये मानते हैं कि हमें यहाँ पर अनंत काल के लिए रहना है। जैसे ही हमें भासित होगा कि यहाँ हमें अनंत काल नहीं रहना है, हमें तो यहाँ मात्र कुछ दिनों के लिए रहना है, तो अब हमारी जो चिंता होगी वो मात्र कुछ दिनों की होगी, अनंत काल जितनी चिंता नहीं होगी। और उसी प्रकार जब हम ये जानेंगे कि संसार के अंदर समस्त ओर दुख ही दुख है तो संसार से सुख खोजने की वृत्ति हमारी समाप्त होगी। आज हमारी ये कोशिश चल रही है कि हम संसार में से सुख खोजना चाह रहे हैं। हर आदमी की ये कंप्लेन है कि मैं इस प्रकार से दुखी हूँ, मैं इस प्रकार से दुखी हूँ। तो दुखी है तो भाई संसार में यदि दुख की कंप्लेन करे, संसार में शिकायत करे कि मैं दुखी हूँ, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार दुखों का ही घर है। तुमने संसार में सुख खोजना चाहा, ये वास्तव में भूल है। जो संसार दुखरूप था उस संसार में सुख खोजना ये वास्तव में सबसे बड़ी भूल है। उसी प्रकार ये जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। जब इन बातों का विचार करते हैं, एकत्व स्वरूप का विचार करते हैं, तो अंतर में अत्यंत आनंद भाव उमड़ पड़ता है। दो की भावना, दो का साथ, वो दुख का कारण है। पुरुष अकेला है, परम पवित्र है। स्त्री भी अकेली है, परम पवित्र है। लेकिन उन दोनों का साथ होते ही दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। नहीं, न केवल अपवित्र हो जाते हैं अपितु उनके जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। एकत्व वस्तु का सौंदर्य, प्रत्येक वस्तु जब तक अकेली है तब तक अपने स्वरूप में है और सुखरूप है।
प्रत्येक आत्मा अकेली होने पर सुख स्वरूप होती है, और जब वह आत्मा दूसरे का संसर्ग करती है, दूसरे का साथ करती है, तो वह दुख रूप हो जाती है, दुखी हो जाती है। हमारे जितने भी दुख के कारण हैं वो सब क्यों हैं? क्योंकि हमने पर द्रव्यों से संबंध जोड़ रखे, हमने स्त्री से, पुत्र से, मकान से, जायदाद से और समाज से, देश से सारे नाते रिश्ते जोड़ रखे हैं, और दूसरों की चिंता में हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। जब हम ये विचार करेंगे कि मेरी आत्मा का पर द्रव्यों से, पर जीवों से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि समय सार कलश में आया है, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्वयो, अर्थात आत्मा का और पर द्रव्य का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब हम समस्त पर द्रव्यों के संबंध को नकार देंगे, अर्थात जब हम ये देखेंगे अपने आत्मा में कि इस आत्मा का किसी भी पर द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है, तो अपने आप इसको पर द्रव्य की जो चिंताएं हैं कि दुनिया मुझे क्या कहेगी, वो स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। मनोहरलाल जी वर्णी जी ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही है। उन्होंने कहा है कि कषाय केवल चार नहीं होती, क्रोध मान माया लोभ इतनी कषाय नहीं है, इससे भी बढ़के दुनिया में एक कषाय और है। क्या है वो कषाय? लोग क्या कहेंगे। हर एक कार्य के अंदर ये व्यक्ति विचार करता है कि यदि मैंने शादी में खूब धन खर्च नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, यदि मैंने वस्त्र अच्छे नहीं पहने तो लोग क्या कहेंगे, यदि मैंने मकान अच्छा सुंदर नहीं बनाया तो लोग क्या कहेंगे। प्रत्येक कार्य में ये अपनी आत्मा का विचार नहीं करता, लोग क्या कहेंगे इसका विचार करता है। उसका कारण यह है कि इसने अपना संबंध पर द्रव्यों के साथ जोड़ रखा है। जब यह आत्मा ये समझेगा कि यह स्वयं अकेला है, इसका पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, तो यह आत्मा असीम सुख की अनुभूति करेगा। और किस प्रकार से 12 भावनाओं के माध्यम से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और कैसा होता है मुनिराज का जीवन, इसको हमें कल विराम के बाद पुनः समझेंगे। जय जिनेन्द्र छैडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। 12 भावनाओं के बाद पांचवी ढाल के अंतिम दोहे की चर्चा चल रही है। हमने समझा कि 12 भावनाओं के माध्यम से जीव किस प्रकार अपने जीवन में वैराग्य को प्राप्त करता है। 12 भावनाएं न केवल वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए अपितु वैराग्य की वृद्धि करने के लिए और वैराग्य को बनाए रखने के लिए भी है। यह 12 भावनाओं का चिंतन न केवल श्रावक मुनि बनने के लिए करता है, अपितु मुनिराज भी इन 12 भावनाओं का चिंतन अपने वैराग्य को बनाए रखने के लिए करते हैं। 12 भावनाएं प्रत्येक तीर्थंकर वैराग्य के काल में भाते हैं और इन्हीं 12 भावनाओं को भाकर वे मुनि दीक्षा लेते हैं। इन 12 भावनाओं को भाकर अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं वो वास्तव में इन 12 भावनाओं का चिंतन करके ही हुए हैं, और जो सिद्ध होंगे वे भी सब इन 12 भावनाओं के चिंतन से होंगे, और जो हो रहे हैं ये सब 12 भावनाओं के चिंतन से हो रहे हैं। ये 12 भावनाएँ हमें 12 प्रकार से चिंतन करने के लिए बिंदु प्रदान करते हैं। हमें जीवन में चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन ही संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न करने का और मोक्ष मार्ग में रुचि करने का प्रबलतम कारण है। चिंतन ही हमें मोक्ष मार्ग को और तत्वज्ञान को प्रदान करता है। तत्वज्ञान के लिए और तत्व निर्णय के लिए चिंतन की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए इन 12 भावनाओं का चिंतन अत्यंत आवश्यक है। हमने एकत्व भावना के चिंतन में समझा था कि जीव का अकेलापन वास्तव में कल्याणकारी है। पर द्रव्यों से भिन्नता इस जीव के लिए सुख का कारण है। हमारे जितने भी आज संसार में दुख है वो दूसरों से संबंध जोड़ने के कारण है। यदि हम समस्त पर द्रव्यों से संबंध तोड़ देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा संसार में किसी द्रव्य के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो हमारे जीवन में अनंत निराकुलता
और अनंत शांति का अनुभव होता है। हम व्यर्थ में दूसरों जीवों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं। दूसरा जीव हमारे बारे में क्या सोचता है इसके बारे में सोच के हम दुखी हो रहे हैं, जबकि वास्तव में दूसरे जीव की परिणति से हमारे सुख दुख का रंच मात्र भी लेना देना नहीं है। दूसरा जीव क्या हमारे बारे में सोचता है, क्या वो हमारे बारे में चिंतन करता है, इससे हमारे सुख दुख का किंचित मात्र संबंध नहीं है। यदि वो बुरा सोचता है तो उससे हम सुखी नहीं हो जाते, हम दुखी नहीं हो जाते। अच्छा सोचता है उससे हम सुखी दुखी नहीं होते। हम ये सोचकर कि दूसरे हमारे बारे में यदि अच्छा सोचेंगे तो ही हम सुखी होंगे, अथवा दूसरे हमारे बारे में बुरे सोचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, इस सोच से ही हम दुखी। यदि हम समस्त परद्रव्यों से संबंध तोड़ लें, हम ये मान लें कि हमारा क्या संबंध है, कोई कुछ भी सोचे, वास्तव में प्रकृति के अंदर ये संबंध है कि कोई किसी द्रव्य के साथ में किसी दूसरे द्रव्य का कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए यदि हम संसार के सारे द्रव्यों से अपनी दृष्टि हटा लें और अपने आत्मा पर दृष्टि ले जाए तो हमें निश्चित रूप से अनंत निराकुल रूप सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हमने अशुचि भावना में शरीर की अपवित्रता का विचार किया और शरीर की अपवित्रता के साथ में ये भी विचार किया कि अपना आत्मा परम पवित्र है। भले ही देह अपवित्र हो लेकिन आत्मा तो परम पवित्र है, इसलिए सुखी होने की बात है, क्योंकि देह की अपवित्रता में दुखी होने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि देह तो परद्रव्य है और जो स्वद्रव्य आत्मा वो परम पवित्र है। इसलिए वास्तव में अशुचि भावना हमारे सुख का कारण है। इसी प्रकार आश्रव, संवरण, निर्जरा, इन भावनाओं ने हमें तत्व का ज्ञान दिया। आश्रव भावना ने हमें बताया कि रागादिक भाव दुखकारी है, संवर भावना वीतरागता अर्थात संवर तत्व सुखरूप है, और निर्जरा भावना ने हमें तपस्वरण करने की प्रेरणा दी, कर्मों के निर्जरा करने के कारण बताए, सविपाक अविपाक निर्जरा के भेद से अविपाक निर्जरा को करने की प्रेरणा दी। लोक भावना लोक के आकार प्रकार का विचार कराकर, लोक के संस्थान का विचार कराकर हमें मोक्ष मार्ग में लगाती है। वास्तव में जब ये जीव लोक के आकार प्रकार का विचार करता है तो पता करता है कि मैं इस लोकाकाश के अंदर, इस अनंत आकाश के ठीक मध्य में जो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, उस लोकाकाश में मैं अनादिकाल से बिना ज्ञान के व्यर्थ में ही घूम रहा हूँ और इतना लंबा काल हो गया और तो भी मेरे संसार का, मेरे दुखों का अभाव नहीं हुआ। ये जानकर उसको संसार से वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। लोक भावना हमें पूरी दुनिया की तात्विक और भौगोलिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है। लोक भावना ये बताती है कि दुनिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये दुनिया कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है। उसी प्रकार लोक की तात्विक व्यवस्था हमें बताती है कि लोक किन द्रव्यों से बना हुआ है, इस लोक को किसने बनाया है, कौन चला रहा है, इस लोक को नष्ट करने वाला कौन है। जब ये जानते हैं कि लोक को कोई बनाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई नष्ट करने वाला नहीं है, तो हमें किसी का भय उत्पन्न नहीं होता। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें चलाने वाला कोई और है, हमें बनाने वाला हमें नष्ट कोई कर देगा। जब हम इन बातों का विचार करते हैं और जब हमें इन बातों का ज्ञान होता है तो हमारे चित्त में एक अनंत शांति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से मनुष्य भाव की दुर्लभता का बोध होता है और रत्नत्रय की प्राप्ति की दुर्लभता का बोध होता है कि रत्नत्रय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, धर्म की प्राप्ति होना कितना दुर्लभ है, ये बात हमें बोधि दुर्लभ भावना बताती है। उसी प्रकार धर्म भावना धर्म का स्वरूप बता के हमें मोक्ष मार्ग में लगाती है। इस प्रकार ये 12 भावनाएं हमें संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराकर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। एक बात जो यहाँ ध्यान देने की वह ये है कि लोक भावना में और संसार भावना में अंतर है। संसार भावना में तो मात्र इतना ही कहा है कि संसार दुखरूप है। संसार अर्थात संसरण, परिभ्रमण, घूमने का नाम संसार है। चारों गतियों में घूमना उसका नाम है संसार, अथवा यूं कहे मोल राग द्वेष भाव के अंदर परिवर्तन करना ही संसार है। तो संसार तो वास्तव में मोल राग द्वेष भाव का नाम है, संसार दुनिया का नाम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में आदमी नहीं है अपितु आदमी में संसार है, अथवा यूं कहे कि संसार में व्यक्ति नहीं है, जीव में संसार है। संसार में जीव कैसे नहीं है कि संसार का नाम है मोह राग द्वेष भाव।
तो मोह राग द्वेष भाव में जीव नहीं है, अपितु जीव में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए कहा है कि जीव में संसार है। तो संसार मोह राग द्वेष भाव का नाम है और लोक भाव नाम है पूरी दुनिया अर्थात 6 द्रव्य 14 राजू ऊंचा पूरा लोक कैसा है उसका निरूपण किया जाता है। इस प्रकार लोक भावना और संसार भावना दोनों भिन्न भिन्न भावना है। तो इन 12 भावनाओं के माध्यम से जीव वैराग्य को प्राप्त करके मुनि बनता है। और अब दौलतराम जी कहते हैं कि अब हम आगे की 6ठी ढाल में उन मुनिराज के जीवन का निरूपण करेंगे। क्या है वो मुनिराज का जीवन, आइए हम कल देखते हैं 6ठी ढाला के माध्यम से कि मुनिराजों का अंतर्बाह्य जीवन कैसा होता है। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल पाठशाला सार। 12 भावनाओं का चिंतन सभी के लिए कार्यकारी है। गृहस्थ वैराग्य की उत्पत्ति के लिए और मुनिराज वैराग्य की स्थिरता एवं वृद्धि के लिए इनको भाते हैं। भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं और भविष्य में जितने भी भव्य जीव सिद्ध होंगे, यह सब इन 12 भावनाओं का ही महात्म्य है। पांचवी ढाल का सार। 5वीं ढाल के अध्ययन से हमें सीखना चाहिए कि संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके इनसे विरक्त होकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। वास्तव में 12 भावनाओं का चिंतन करना मुनि धर्म प्राप्त करने की भूमिका है। 12 भावनाओं के चिंतन से मुनि धर्म के प्रति हमारे मन में प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए।